1,000 years ago. I fought my way out of that cave. Realized I loved you. I know I said no more surprises, but I was really hoping to pull off one last one. Whatever it takes. हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब, आज है यूसीएल का फाइनल। इससे बड़ा यूरोपियन कंपटीशन में तुमको मैच देखने के लिए नहीं मिलेगा। मैन सिटी वर्सेस चेल्सी, एंड इट्स नॉट ओनली मैनचेस्टर सिटी वर्सेस चेल्सी। ये मैच इतना ज्यादा पॉइज्ड है ना, इट्स एडरसन वर्सेस एडवर्ड मेंडी, इट्स कांटे वर्सेस डुब्रोयना, इट्स माउंट वर्सेस फोर्डन, इट्स रूबन डियाज वर्सेस सिल्वा, एंड ऑफ कोर्स इट्स पेप गार्डियोला वर्सेस थॉमस टुचेल। यहां बैटल होने वाली है बेस्ट ऑफ द बेस्ट की, और अगर तुम इस बेस्ट वर्सेस बेस्ट का मैच मिस नहीं करना चाहते हो तो यू गाइज नो वेयर यू हैव टू बी एट 12:30। मैं नाम नहीं लेने वाला हूं उस प्लेटफॉर्म का जहां पे मैं स्ट्रीम करने वाला हूं इस मैच को, लेकिन यू गाइज नो इट। द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, गो अहेड, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो, वहां पे तुमको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी। कोई एडवर्टीजमेंट नहीं, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, एक लिंक, आप पहुंचेंगे सीधा और वहाँ पे आप मज़े ले पाएंगे। आप समझ रहे हैं क्या चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ? नहीं समझ रहे हैं तो नीचे कमेंट्स में आपको हमारे भाई लोग बता देंगे। और डिस्कॉर्ड में तो पूरी सेना बैठी हुई है, 8,000 प्लस मेंबर्स हैं हम डिस्कॉर्ड में। डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो, वहाँ अलग मज़े आते हैं। एनीवेज, लेट्स टॉक अबाउट दी मैच। ये मैच कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैच ना केवल पेप गार्डियोला के लिए ही इंपॉर्टेंट है, ये मैच सिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखो, पेप गार्डियोला के लिए तो पर्सनल लेवल पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग अक्सर क्वेश्चन उठाते आए हैं पेप गार्डियोला के ऊपर कि सर आपने लीग जरूर जीती होगी, सर आपने डोमिनेंस बनाया है बायर्न का, सिटी का, बार्सिलोना का, लेकिन बार्सिलोना के बाद आपने एक भी यूसीएल नहीं उठाया है सर, ये क्या है सर? आप अपने आप को बेस्ट ऑफ द बेस्ट बोलते हो, आपको लोग बेस्ट ऑफ द बेस्ट मानते हैं, लेकिन बेस्ट ऑफ द बेस्ट के पास हमेशा से बेस्ट टीम ही थी, लेकिन आप यूसीएल तो भी नहीं जीत पा रहे हो। आज वो कलंक हटाने की जो है वो बारी है मैन सिटी के लिए, पेप गार्डियोला के लिए, एंड ऑफ कोर्स पेप गार्डियोला वो उसको तो हटाना चाहेगा यार, वो यूसीएल दोबारा जीतना चाहेगा विद मैन सिटी। एंड ऑफ कोर्स मैन सिटी का जो पूरा ये प्लान था पेप गार्डियोला को लाना, पैसे इंजेक्ट करना क्लब का, एक यूरोपियन डोमिनेंस करने के लिए ही हुआ था। एंड ऑफ कोर्स आज पहली उनकी फाइनल होगी यूरोपियन कप में, यानी यूसीएल में, एंड आई रियली विश दैट मैन सिटी लिफ्ट्स अप द ट्रॉफी, बट दैट डजंट मीन दैट चेल्सी डज नॉट डिजर्व इट। शुरुआत में द सीजन वॉज नॉट दैट रियली गुड विद फ्रैंक लैम्पार्ड, इवेंचुअली फ्रैंक लैम्पार्ड जाते हैं एंड देन थॉमस टुचेल कम्स इन, एंड थॉमस टुचेल यहां पे सबसे पहले मैनेजर बनते हैं जो दो कंसेक्यूटिव यूसीएल के फाइनल्स खेलेंगे दो अलग क्लब से। तो यहाँ एक और पर्सनल बैटल है दोनों मैनेजर्स का। पेप गार्डियोला को तो मैंने तुमको बता ही दिया, यहाँ थॉमस टुचेल का भी पर्सनल बैटल है कि भाई मैंने फाइनल पहुंचा था पीएसजी के साथ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं फाइनल नहीं उठा पाया था पीएसजी के साथ, अब फिर से मेरे पास मौका है, अब मैं फिर से जो है वो यूसीएल उठाने की कोशिश करूंगा और होपफुली मैं उठा पाऊं। देखो यार, रियल मैड्रिड को मार के आई है चेल्सी, पीएसजी को मार के आई है मैन सिटी, और आज पोर्टो में 16,500 फैंस के सामने जो है ये मैच होने वाला है। इट विल बी एन आइकॉनिक मैच। ऑफकोर्स प्रीमियर लीग फैंस तो ये बोलेंगे कि ये तो हम देखते हुए आए हैं, तुम्हारे लिए आइकॉनिक होगा, लेकिन वो स्टेज ही है जो इस कॉम्पिटिशन को यूनिक बनाता है। मैन सिटी वर्सेज चेल्सी तुमने अपने लीग में देखा होगा ज़रूर, लेकिन ये स्टेज ही वैसा है मेरे दोस्त की, ये स्पेशल बनाएगा इस ओकेशन को, ये गेम स्पेशल है, ये कप स्पेशल है जो इस मैच को स्पेशल बनाने वाला है। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस मैच। लेट्स टॉक अबाउट मैन सिटी। मैन सिटी के बारे में बात करें तो वी ऑल नो यार, इन लोग यूरोपियन कप के अलावा अपने प्रीमियर लीग में एक तरफा डोमिनेंस बना के रखे हैं। मैन सिटी को भाई साहब मतलब हर एक बंदा फेवरेट्स मानता है हर सीजन प्रीमियर लीग उठाने के लिए। इस सीजन भी प्रीमियर लीग उठा करके बहुत पहले से सिटी बैठी हुई थी, लेकिन सेम एक कॉन्ट्रास्टिंग चीज देखने को मिलता है, इससे विपरीत चीज देखने को मिलता है यूसीएल में। यूसीएल में इन लोग हमेशा क्वार्टर फाइनल में निकल जाते थे, लेकिन फाइनली इस सीजन वो कर्स ब्रेक करा है पेप गार्डियोला ने, क्वार्टर फाइनल से तो आगे बढ़ा, सेमीफाइनल ही नहीं फाइनल तक बढ़ चुके हैं, और दे विल एम श्योरली टू मेन इट। इस सीजन देखो, उन्होंने भाई साहब यूसीएल में मुंशन ग्लेशबैक को हराया, उन्होंने डॉर्टमुंड को हराया है, इन्होंने पीएसजी को धोया है, तो हर एक क्लब जो इनके सामने आई है सब टूटते हुए दिखी है।
पीएसजी के खिलाफ तुम डिब्रोयना का वो गोल को लकी बोल दो या फिर एक प्रॉपर गोल बोल दो, अगर तुम देखो तो वो फ्री किक महारेज की, भाई साहब क्या फ्री किक थी वो। सेकंड लेग में जो है वो भी एक तरफा डोमिनेंस महारेज ने बनाया है भाई, दो गोल मार करके। तो मैन सिटी वर्सेस पीएसजी में तो एक तरफा जो है वो मैन सिटी निकाल के ले आई। एंड यू नो व्हाट, यहाँ पे हमको दाद देनी पड़ेगी रूबन डियास और जोन स्टोन्स की पार्टनरशिप की, वो हीरोइक परफॉर्मेंस अगेंस्ट पीएसजी रूबन डियास की, जहाँ वो अपनी बॉडी को इन लाइन लगाता था, डिफेंस में आग लगाता था, वो हम सभी जानते हैं। एंड हाँ, इस सीजन यूसीएल में केवल और केवल इन्होंने एक ही गेम को ड्रॉ किया है, उसके अलावा 11 गेम्स इन लोग जीते हैं 12 गेम से। तो तुम देख सकते हो यूसीएल में क्या खतरनाक खेले हैं भाई साहब, केवल और केवल 4 गोल ही जो है वो रूबन डियास और जोन स्टोन्स की पार्टनरशिप ने खाई है पूरे यूसीएल की कैंपेन में। इट इज क्लियरली शोइंग वाई मैन सिटी इज एट फाइनल्स। लेकिन केवल डिफेंडर्स ही नहीं यार, इनके पास एक ऐसे मिडफील्डर्स हैं जो भाई साहब वक्त आने पे स्ट्राइकर ही बन सकते हैं, गोल भी मार सकते हैं, और वक्त आने पे डिफेंस भी कर सकते हैं, और वक्त आने में वो कातिलाना पासेस भी निकाल के दे सकते हैं। वी ऑल सॉ इट अगेंस्ट एवर्टन, जहाँ पे हमको फिल फोडन्स के गोल्स देखने को मिले, हमको डिब्रोयना का गोल देखने को मिला, उसके पासिस देखने को मिले, उसके असिस्ट देखने को मिले, हमको गैब्रियल हीजेस का भाई गोल देखने को मिला, हमको अग्वेरो के दो गोल्स देखने को मिले। तो भाई साहब रिसेंटली देयर फॉर्म हैज बीन रियली ग्रेट। अगर मैं कुछ लास्ट गेम्स के ऊपर नजर डालूं, 5-0 एवर्टन को हरा के आए हैं, 3-2 ब्राइटन से हारे ऑफकोर्स, बट वहाँ पे कंसेलो को रेड कार्ड बहुत पहले मिल गया था, और वहाँ पे फेरान टोरेस को फॉल्स 9 खिलाया जा रहा था। तो यू कैन से दैट ही ये भाई साहब प्रॉपर फॉर्मेशन में नहीं थी अपनी सिटी, बट स्टिल इट वॉज ब्राइटन, दे शुड हैव वॉन इट, बट इट हो गया एनीवेज। लेकिन उसके अलावा तुम देखो 4-3 भाई साहब न्यूकासल से जीत के आए थे, एंड 4-3 में तुम बोलोगे भाई 3 गोल बहुत कंसिड हुए थे, ऑफकोर्स वहाँ पे नेथन आके और एरिक गार्सिया खड़े हुए थे, तो गोल कंसिड होना था भाई, वो सभी जानते थे कि ये चीज़ होने वाली है एनीवेज। लेकिन यहाँ पे ना तुमको एक चीज़ ज़रूर देखनी पड़ेगी, उस गेम से पहले सिटी का गेम था चेल्सी से, एंड चेल्सी के खिलाफ सिटी 2-1 हारी थी भाई साहब। एंड दिस इज वेयर यू नो पीपल माइट क्वेश्चन सिटी, क्योंकि आप ठीक है प्रीमियर लीग में बहुत अच्छे खेले थे, बट आप प्रीमियर लीग में अगेंस्ट चेल्सी अच्छे नहीं खेले हो। अगेंस्ट चेल्सी अगर मैं हेड टू हेड के बारे में बात करूं, 2-1 चेल्सी जीती है, 1-0 चेल्सी जीती है, उसके पहले 1-3 मैन सिटी जीती है, लेकिन उससे पहले फिर चेल्सी 2-1 जीती है। तो यहां पे लास्ट 5 में सिटी के लिए केवल 2 विन और 3 लॉस देखने को मिला है। तो ये क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं कि क्या पेप गार्डियोला असरदार है अगेंस्ट चेल्सी के प्लेयर्स, देखने वाली बात होगी आज। तो भाई चेल्सी के बारे में बात कर लूँ तो ऑन दी अदर हैंड थॉमस टूचल भाई साहब अपना सेकंड फिनाले खेल रहे हैं कंसेक्यूटिव सीजन में आफ्टर बीटिंग रियल मैड्रिड। बहुत हार्ड था इनके लिए वो फर्स्ट लेग का 1-1 करने के बाद सेकंड लेग में एक गोल भी कंसीड नहीं करना और रियल मैड्रिड को हराना, बट दे जस्ट डिड दैट। आपके सामने जब रामोस जैसा प्लेयर खड़ा रहना यार, तो हर एक अटैकर के पसीने छूटते हैं, बट इट वॉज मेसन माउंट एंड टीमो वर्नर। सरप्राइजिंगली टीमो वर्नर ने उस मैच में बहुत बेहतरीन खेल करके, मैंने देखा कई दफ़ा ने रामोस को ड्रिबल आउट किया है, और अच्छा खेला टीमो वर्नर उस गेम में। एंड भाई साहब वहां पे चेल्सी 2-0 निकाल के ले आती है, एग्रीगेट में वो स्कोर हो जाता है भाई साहब 3-1 और चेल्सी आगे बढ़ती है। बट यू नो व्हाट, ऑन द कॉन्ट्ररी जैसे हमने बात किया कि यूसीएल में तो यू नो व्हाट चेल्सी, मैन सिटी यूसीएल में भी अच्छी है, रिसेंटली प्रीमियर लीग में भी अच्छी है, बट चेल्सी रिसेंटली प्रीमियर लीग में उतनी अच्छी नजर नहीं आ रही है। 1-0 ये आर्सेनल के खिलाफ हारे जहां पे हावर्ट्स फॉल 9 खेल रहा था, इन लोग 1-0 लेस्टर के खिलाफ हारे एफए फाइनल, वी ऑल सॉ इट, जहां तुम कह सकते हो चेल्सी वाज अ बिट अनलकी, बट डूड ओहो वहां पे जीतना तो मंदा था। एंड आई फॉरगॉट, मैं शर्ट चेंज करना भूल गया, तो तुम जानते हो यार कि मतलब वो गेम जीतना कितना इंपॉर्टेंट था, और वहाँ पे उन लोग हार गए। लेकिन उसके बाद फिर इन्होंने ईपीएल में लेस्टर सिटी को हराया 2-1, जिसमें एक अच्छी हीरोइक परफॉर्मेंस हमको देखने को मिली थी, बट अगेन उसके बाद फिर आप 1-2 हार जाते हो एस्टन विला से यार। तो आप 3 लॉस लेकर के यूसीएल फाइनल में स्टेप कर रहे हो, ये कोई मतलब एक अच्छी बात नहीं है। प्लेयर्स का यू नो व्हाट मोरल डाउन हो सकता है, बट वी ऑल नो इवन द मैनेजर्स हैव सेड इट कपल ऑफ टाइम्स कि फॉर्म डज नॉट मैटर्स व्हेन यू आर
आफ्टर प्लेइंग अ फाइनल, जब आप फाइनल खेलते तो वहां सब मोटिवेटेड रहते हैं, कोई फॉर्म के ऊपर नहीं देखता है। एंड लकीली चेल्सी हैज मेड अप टू द टॉप 4 ऑफ प्रीमियर लीग, तो यहां पे थोड़ी रिलीव्ड होंगे प्लेयर, एंड ऑफ कोर्स इट्स फाइनल, तो चेल्सी भी एम कर रही होगी जीतने की। तो यहां पे फॉर्म अच्छी नहीं है चेल्सी की, बट व्हेन इट कम्स टू फाइनल्स फॉर्म डज नॉट मैटर्स यार। फाइनल में हर एक प्लेयर अलग ही जज्बे के साथ खेलता है, और वो जज्बा आज चेल्सी के हर हफ्ते भी हमको देखने को मिलेगा। ऑफ कोर्स पेप ये चीज देखने की कोशिश करेगा कि चेल्सी को कैसे हराया गया है यार, क्योंकि चेल्सी को हराना है तो तुमको कांटे को निकालना पड़ेगा भाई। कांटे को या तो तुम भाई साहब पूरे तरीके से पकड़ के रख लो, या फिर कांटे नहीं खेले तो तुम जीत सकते हो, जो हमने देखा कुछ गेम्स में। बट कांटे को पकड़ना विल बी अ वेरी ह्यूज टास्क फॉर पेप गार्डियोला, बिकॉज वी ऑल नो नोबडी कैन कैच अप कांटे भाई। वो बंदा फरारी है, दौड़ते रहता है इधर उधर। अगर मैं बात कर लूँ टीम न्यूज़ के बारे में, तो रिसेंटली ऐसी खबर आ रही थी कि गुंडवान को थोड़ा सा नॉक वॉक लगा है, तो उसको बाहर यू नो व्हाट प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए उसको यू नो ट्रेनिंग में ज़्यादा शामिल नहीं करे थे। लेकिन अभी तक जितनी चीज़ें समझ में आ रही हैं, मेरे ख्याल से गुंडवान स्टार्ट करने वाला है। तो मेरे ख्याल से अभी तो फिलहाल देखो दोनों टीम्स में ऐसा कोई इंजरी है नहीं, सब फिट है। और यही तो क्वेश्चन आ जाता है पेप गार्डियोला के लिए कि जब एक टीम उसकी फुल फिट रहती है ना, मैन सिटी खासकर, तो फिर पेप गार्डियोला क्वेश्चन में आ जाता है यार कि मैं किसको उतारूं किसको ना उतारूं। तो अब देखते हैं क्या होगा, बट आई थिंक सो दिस विल बी द लाइनअप ऑफ मैन सिटी। आई नो इट कैन चेंज, इट्स पेप गार्डियोला, ही कैन डू एनीथिंग, बट पॉसिबिलिटी ऐसी है कि एडरसन स्टार्ट करते हुए हमको दिखेंगे गोलकीपर में, विथ वॉकर यू नो स्टार्टिंग, क्योंकि कंसेलो अभी ज़्यादा हमको देखने को मिला नहीं है। ऑफकोर्स इट विल बी रूबन डियास एंड जोन स्टोन्स, एंड जिचेंको स्टार्ट करते हुए दिखेंगे, क्योंकि ऑफकोर्स यहाँ पे भी मैं वही कहना चाहता था, कंसेलो मेरे ख्याल से कोई दिखा नहीं, और फरलान मेंडी तो हमको नहीं होने नहीं वाला है। तो इट विल बी मेरे ख्याल से जिचेंको स्टार्टिंग इन द लेफ्ट हैंड साइड। अगर मैं मिडफील्ड के बारे में बात करूँ, यहाँ पे क्वेश्चन है कि यहाँ क्या फर्नांडिनियो स्टार्ट करेंगे या फिर टोरेस स्टार्ट करेंगे। आई पर्सनली थिंक सो, अगर कांटे को रोकना है नीड पेस, तो शायद टोरेस को स्टार्ट करना ज़्यादा सेंस बनाती है। बट वी ऑल नो कि कभी कभी ना पेस के यू नो पेस के बजाय एक्सपीरियंस ज़्यादा काम आती है, एंड वी हैव सीन इट अगेंस्ट पीएसजी एज वेल। फर्नांडिनियो प्लेड अ रियली गुड गेम इन द सेकेंड लेग ऑफ पीएसजी, ही कंप्लीटली शट डाउन दी यू नो वॉट सम वॉट पेसी एंड क्विक पासिंग ऑफ मैं पी एस डी, वराटी हो गया, नेमार हो गया, इनको पकड़ के रखा था फर्नांडिनियो ने। तो मेरे ख्याल से फर्नांडिनियो विल बी यू नो पुश्ड अहेड इन दिस मैच एज वेल, बट हो सकता है टोरेस देखने को मिले, बट आई गेस फर्नांडिनियो विल स्टार्ट। गुंडवान स्टार्ट करेंगे ऑफकोर्स अगर वो फिट रहे तो, एंड आई होप सो दैट वो फिट रहे विद सिल्वा। और फ्रंट थ्री के बाद में बारे में बात कर लूँ, तो मेरे ख्याल से जैसा पेप गार्डियोला पूरे यू सी एल में खिलाता है विदाउट अ प्रॉपर नंबर 9, आई गेस वही होने वाला है, विद डी ब्रुइने, फोडन एंड महरेस स्टार्टिंग इन दी फ्रंट 3। डी ब्रुइने फॉल्स 9 वाला फॉर्मेशन लेंगे, लेकिन यहाँ पे तुमको काफ़ी ज़्यादा रोटेशन देखने को मिलेगी बिटवीन फिल फोडन, डी ब्रुइने एंड महरेस एंड सिल्वा एज वेल। तो सिल्वा भी आगे जाते हुए तुमको दिखेगा, डी ब्रुइने पीछे आते हुए दिखेगा, एंड महरेस एंड फिल फोडन भी तुमको इधर उधर फ्लोट होते हुए दिखेंगे। तो बहुत ही एक फ्लोटी टाइप की अटैकिंग साइड के साथ मैन सिटी उतरेगी, एज वी ऑल नो फॉल्स 9 ऑफ पेप गार्डियोला। बट अब क्वेश्चन आता है यहाँ पे क्या हो सकता है चेल्सी का लाइनअप। आई गेस चेल्सी यहाँ पे मेंडी के साथ स्टार्ट ऑफ कोर्स करने ही वाले हैं। स्पिल क्वेटा को रेड कार्ड मिली थी इनके पिछले गेम में, बट दैट रेड कार्ड डज नॉट मीन्स कि वो यूरोपियन कंपटीशन में नहीं खेल सकते हैं। तो आई गेस दी स्पेनिश कैप्टन, स्पेनिश के कैप्टन तो नहीं है, बट चेल्सी के कैप्टन और स्पेनिश है, तो स्पेनिश कैप्टन स्टार्ट करेंगे यहाँ पे विद सिल्वा एंड रोड्रिगर मेरे ख्याल से। बात कर लूँ मैं इनके ऊपर की यू नो वॉट, तो जेम्स स्टार्ट करेंगे विद कोवाचिच, कांटे एंड चिलवेल, एंड फ्रंट थ्री तो ऑफकोर्स इट विल बी मेसन माउंट, उसका जगह तो कोई ले ही नहीं पाया है। बट यहाँ पे क्वेश्चन आती है, क्या यहाँ पे वर्नर और हावर्ड्स स्टार्ट करते हुए दिखेंगे, या फिर वर्नर और हकीम स्टार्ट करते हुए दिखेंगे जियाश। तो अब देखते हैं क्या होगा। पुलिसिच मेरे ख्याल से नहीं स्टार्ट करेगा, पुलिसिच विल कम एज अ सब सेकेंड हाफ में या 60th मिनट के बाद पेस लाने के लिए गेम पे, और वो उसको वैसी तरीके से यूज़ किया गया है एज अ इम्पैक्टफुल सब, तो मेरे ख्याल से वो हो सकता है। बट यू नो वॉट, हम यू नो वॉट, ये टिपिकल यूट्यूबर फुटबॉलर वाले चैनल लोग का ये कहना है कि भैया दिस गेम विल बी वॉन एट मिडफील्ड, और मैं फिर से वही कहता हूँ, दिस गेम विल बी वॉन एट मिडफील्ड एज वेल। अगर कांटे को रोक दी भाई सिटी, तो फिर तो मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि तुम जानते हो कांटे का वो पेस, कांटे की वो पासिंग, कांटे का वो दौड़ना भाई साहब, अगर मिडफील्ड तोड़ दी उसने सिटी की ना, तो फिर हावर्ड्स के रन्स, बेन चिलवेल का रन जो वो बनाता है फ्लैंक से, एंड विथ मेसन माउंट के थर्ड मैन रन्स, एंड वर्नर का काइंड ऑफ अ फॉल्स 9 स्ट्राइकर वाला रोल खेलना, वो चीज़ हार्मफुल हो सकता है सिटी के लिए। ऑफकोर्स वहाँ रूबन डियाज एंड जोन स्टोन्स खड़े रहेंगे, बट वी ऑल नो हाउ लीथल इज चेल्सी भाई साहब।
साहब, आई नो पीपल माइट क्वेश्चन ऑन टीमो वर्नर कि वो उतना लीथल नहीं है, एंड हाउ कुड यू से दैट इट्स दे आर मोर लीथल देन सिटी। आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर मोर लीथल देन सिटी, बट हाँ दे आर इफेक्टिव इन फ्रंट ऑफ गोल्स। इधर उधर से गोल आते हुए हमको हमेशा दिखा है चेल्सी का। एंड यू नो वॉट, ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर मैन सिटी के बारे में बात कर लूँ तो ऑफकोर्स इट विल बी केविन डी ब्रुइना हु विल बी रनिंग द गेम अटैकिंग वाइज, फर्नांडिनियो डिफेंस करेंगे, एंड वी ऑल नो रूबन डियाज और जोन स्टोन्स का बहुत बड़ा हाथ होगा अगर आज सिटी जीतती है तो, क्योंकि वो रोक पाएंगे, असल टेस्ट तो उनका है आज कि क्या वो रोक पाएंगे कि नहीं रोक पाएंगे विथ ऑल दोज थ्रेट विच चेल्सी हैज मेसन माउंट के नाम पे, यू नो वॉट कांटे के नाम पे। कांटे भी आकर अटैक बनाता है, और जब कांटे अटैक बनाता है तो तुम कांटे को पकड़ोगे कि टीमो वर्नर को पकड़ोगे कि मेसन माउंट को पकड़ोगे कि वहाँ बेन चिलवेल के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। तो यहाँ पे टेस्ट होने वाली है सिटी की डिफेंस की भी, तो अब देखते हैं क्या होगा। ओवरऑल इट विल बी अ वेरी एक्साइटिंग मैच, आई एम रियली एक्साइटेड फॉर this match, let's hope so that City wins because I'm a Barca fan and I really want to see that, you know, Pep उठाइंग द ट्रॉफी वंस अगेन ऑफ UCL, तो मैं वो देखना चाहता हूँ। बट यू नो वॉट, जब ना पूरी दुनिया एक टीम के वो रहती तरफ रहती है तो कुछ सरप्राइजिंग देखने को मिलता है, तो मैं दिल से तो बोल रहा हूँ सिटी जीतेगी, बट पता नहीं मेरा दिमाग क्यों कह रहा है कि चेल्सी ना जीत जाए। भाई हो सकता है चेल्सी भी जीत सकती है, एंड इट्स ऑफकोर्स फाइनल तो इट्स हार्ड टू प्रिडिक्ट, बट आई एम सेइंग अ 2-1 विन फॉर सिटी। बट पता नहीं वो एक अंदर से ऐसा लग रहा है कि सिर चेल्सी निकाल के ले जाएगी। अब देखते हैं क्या होता है। एनीवेज जो भी होगा मज़ा आएगा देखने में। इट्स पेप वर्सेस टूशेल, पिछले बार यू नो व्हाट, टूशेल वन ओवर पेप एफए कप में 2-1 चेल्सी निकाल के लेके चली गई थी, लेकिन हाँ वहाँ पे अग्वेरो ने पेनेका मिस किया था अपनी पेनाल्टी में, तो वो भी तुम रिकॉर्ड में लिख सकते हो। तो अब देखते हैं क्या होता है यार। इट विल बी अ वेरी 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 ब्यूटीफुल फाइनल, एंड यू गाइज नो वेयर टू कम फॉर वॉचिंग द फाइनल विथ मी। सो वहाँ ज्वाइन करना मेरे को 12:30 बजे। द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन डिस्कॉर्ड का, वहां से तुमको लिंक मिल जाएगा। एनीवेज टिल द नेक्स्ट वीडियो, आई एम आशीष की सनी और बाय बाय, टेक केयर, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। सिचुएशंस बहुत खराब है यार वेस्ट बंगाल तरफ, ओडिशा तरफ, एंड आई नो मोस्ट ऑफ माय फॉलोवर्स आर फ्रॉम यू नो व्हाट वेस्ट बंगाल, ओडिशा, यहां से भी भाई लोग देखते हैं मुझको। तो अगर आप उस तरफ से हो जहां साइक्लोन हिट कर रहा है, पटना बिहार इस तरफ भी है, थोड़ा सा ध्यान रखो अपना अपनी फैमिली का, एंड बस यार अब मैं और क्या ही कहूं। तो मिलता हूं रात को लाइव, अपन करेंगे, मजा आएगा। एनीवेज बाय बाय, टेक केयर।